बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ज़िशान व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 24 नवंबर 2020 तो आज लेक्चर है जनाब मोहम्मद बिलाल साहब, वो क्लासिक्स को साइंस का लेक्चर दे रहे हैं, तो हमने उनका लेक्चर अटेंड करना है। तो वो आईटी लैब में लेक्चर दे रहे हैं क्लासिक्स को, तो चलते हैं लेक्चर को अटेंड करते हैं। आओ चलें। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है खून की नालियां। तो हमारे जिस्म में तीन तरह की खून की नालियां हैं, एक होती है आर्टरीज, एक कैपिलरीज है और थर्ड वन वेन्स है। हम आर्टरीज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आर्टरीज क्या होती है? तो आर्टरीज क्या होती है? वो नालियां जो खून को जिस्म से किस तरफ लेके जाती है? दिल की तरफ। जो खून को जिस्म से दिल की तरफ लेके जाती है उनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। अब यहां हम इसको लिख लेते हैं। क्या करती है ये किताब से देखिए जरा, पहली लाइन पढ़िए इसको। आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेके जाती है। दिल से जिस्म की तरफ ले जाते हैं, लेकर जाते हैं, हम उन्हें आर्टरीज कहते हैं। तो अब इनके शक्ल कैसी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, कैसी होती है, हम वो पढ़ते हैं। तो ये आर्टरीज की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। मोटी मोटी दीवारें होती हैं और लचकदार होती हैं कि दबाएंगे तो वापस पहली हालत में आ जाती है। अगली बात, ज्यादातर आर्टरीज में खून कौन सा होता है? तो ये क्या होगी, दूसरी बस होती है, क्या है? मोटी होती है और लचकदार होती है। तीसरी बात क्या है, खून कौन सा होता है? कम ऑक्सीजन वाला। कम ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला खून इसमें होता है। तीन बातें हमने पढ़ी। पहली इसकी तारीफ, तारीफ क्या है? ऐसी नालियां जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेके जाती है उनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। और दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? शक्ल कैसी होती है? मोटी और लचकदार। वो नालियां जो जिनका तालुक फेफड़ों के साथ है, जो खून फेफड़ों की तरफ लेके जा रही है, उनको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये उलट है, ये वाली आर्टरीज क्या करती है? दिल से खून को जिस्म की तरफ लेके जाती है, और लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या करती है? वो इसका काम उलट करेंगे। वो क्या करेंगे? एक तो उनमें खून होगा कौन सा? ये वाला था कम ऑक्सीजन वाला, वो वाला खून होगा जरा ऑक्सीजन वाला। तो ये इसमें चार बातें हैं जो हमने इसमें पढ़ना है। अगली जो हमारी है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, इसकी तारीफ देखिए हम क्यों पर पहली लाइन इसके पढ़े। कैपिलरीज जिस्म में खून की सबसे बारीक नाली है। तो पहली बात, पहला कैरेक्टर क्या है, पहली खूबी क्या है? पहली खूबी ये कि ये सबसे बारीक नाली है, ठीक है। अगली बात, वो इतनी बारीक है कि इनमें सोलर सेल्स और है भी इतनी बारीक, इनमें जो खून के सेल्स है वो वन बाय वन एक एक करके टूटेंगे, इतनी बारीक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये मोटी होती तो सारी काफी सारे गुजर जाते, पर ये है ही बारीक तो इसलिए वन बाय वन वहां से गुजरेंगे। तीसरी बात देखिए, कैपिलरीज के खून से खुराक और जिस्म, खुराक और ऑक्सीजन जिस्म के सेल्स में जज्ब होते हैं। अब कैपिलरीज में जो खून होगा उस खून में क्या होता है, शक्ल कैसी है उनकी? बारीक है। और सुलभ सेल्स कैसे मिलते हैं? एक एक
सेकंड गुजरते हैं। अगला कैरेक्टर क्या पढ़ा, इनमें कौन सा गुण होता है, ऐसा गुण मौजूद है जिसमें क्या मौजूद है, खुराक है और ऑक्सीजन भी है। ये ऐसा ब्लड है जिसके अंदर खुराक भी मौजूद है और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, ऐसा ब्लड इसमें मौजूद है। अब ऐसे ब्लड जिसमें खुराक भी हो और ऑक्सीजन भी हो, वहां से उस ब्लड में से खुराक भी निकलेगी, ऑक्सीजन भी निकलेगा और वो किसको मिलेगा, जिस्म को। और जिस्म के अंदर जो फालतू मादे और कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस्म से निकलकर इन कैपिलरीज में दाखिल हो जाए। तो दो काम हुआ, एक चीज यहां से निकलती है और एक चीज वहां वापस आती है। निकलेगा क्या यहां से कैपिलरीज में, क्या निकलता है, क्या चीज निकलती है कैपिलरीज में से, खुराक और ऑक्सीजन। और जाती कहां पे है, जिस्म। और जिस्म से क्या चीज निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और फालतू मादे, वो जिस्म से निकल कर इसमें दाखिल हो जाएंगे कैपिलरीज में, कैपिलरीज में, ठीक है। तो ये इस तरह की कैपिलरीज है, फॉर एग्जांपल ये बाजू में है, तो इनमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ये दोनों यहाँ से बाहर निकले, ठीक है, यहाँ से बाहर निकले। और इसमें इसके अंदर क्या दाखिल होगा, ये कहाँ चले जाएंगे, जिस्म। और जिस्म से क्या निकलेगा, जिस्म से फालतू मादे, फालतू मादे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, एक निकलेगा और दूसरा उसी जगह पर दफन। तो ये देखिए कैपिलरीज दोबारा मिलकर खून के बढ़िया नाले में, ये होती है बारीक बारीक, बहुत छोटी छोटी होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी होने की वजह से ये इतने साइज में छोटी होती है, पहले बताया आपको इनमें जो खून है वो बार बार बंद हो जाता है। आखिरी बात इसमें यह है, ये नालियां इकट्ठी होती है, छोटी छोटी नालियां इकट्ठी होती जाएंगी और बड़ी नाली बना देती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कैपिलरीज। तो हमारे पास ये जो नालियां हैं, ये जो कैपिलरीज हैं, ये छोटी-छोटी नालियां होती हैं, ये इकट्ठी होकर बेस बना देती है। क्या बनाती है, अब हम बेस के मुताबिक पढ़ेंगे। तो बेस क्या होती है, इसकी पहली लाइन, बेस खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ मतलब क्या, इसका उलट है, जो यहां पड़ा हमने अब इसका उलट यहां पर हो, कैपिलरीज और बेस में ये फर्क है। तो वेज क्या करेगी, खून को ये सब पहला पॉइंट हो गया। ये इसमें डेफिनेशन में फर्क आ गया कि आर्टरीज और वेज में क्या फर्क है, आर्टरीज क्या करती है, वो दिल से खून को और वेंस क्या करती है, अब इनमें खून कौन सा बना, इसमें जो खून होगा वो कौन सा होगा, बेस वो नाली है जो खून को दिल की तरफ वापस करती है, दिल की तरफ लेके जाती है। ज्यादातर बेस में ऑक्सीजन की कमी वाला खून दिल की तरफ वापस लाते हैं, अलबत्ता पल्मोनरी बेस में फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून दिल की तरफ लाते हैं। तो ये इसके तीन पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट कैपिलरीज और आर्टरीज क्या होती है, शाबाश। अब यार दूसरा पॉइंट क्या बता अपने, आर्टरीज पे क्या दूसरा पॉइंट है, मोटी और लचकदार होती है, और इनमें खून कौन सा होता है, कम ऑक्सीजन वाला। आप बताइए वेन्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैपिलरीज, कैपिलरीज की क्या खूबी है,
कैसी होती है? बारीक होती है। हाँ जी। और उनके सुरक्षा एक एक करके है कि कब यूजते हैं। जवाब बताइए जी, क्या करी इसका दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? हाँ जी, क्या करी इसमें क्या होता है? ऐसा फूल होता है जिसमें पराग होती है और ऑक्सीजन होता है। जी आप बताइए। जिसम से फालतू मादे और ऑक्सीजन, वो इस क्या करी इसमें दाखिल हो और क्या करी से क्या निकलेगा? आप बताओ भाई, क्या करी से क्या निकलता है? ऑक्सीजन और खुराक जो है वो जिसम लेके जाती है। आप बताए साहब, सेकंड क्या बात है इसमें? ज्यादा ऑक्सीजन वाली। हाँ जी, पहला सवाल पॉइंट रिपीट करें, क्या तारीफ है इसकी? वेन्स की क्या तारीफ है? जिसम से खून को दिल की तरफ ले जाती है। हाँ जी, और ज्यादा ऑक्सीजन वाली। और कलतरी वेन्स होती है, कलतरी वेन्स किसके लिए होती है बना? इनका ताल्लुक फेफड़ों के साथ होता है। जैसे मैंने आपको कार्डिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है हार्ट के लिए, तो इससे पल्मोनरी का जो लफ्ज है वो फेफड़ों के लिए। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, आप इसको देख लें, पढ़ लें और उसके बाद कोई बात पूछनी हो तो। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करनी है जो मैं डेली करता हूँ कि आपने ज़ीशान ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, दोस्तों से भी कहना है कि वो वीडियो को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप तामन करेंगे।